What's up my YouTube family, welcome back to my channel. I hope that you are all good and fit and healthy. So aaj jo hum log topic pe video banane wale hain wo hamara bicep pic, like jo pic hota hai wo bahut se log ki shikayat hoti hai ki wo bicep ka bahut se exercise log lagate rehne ke liye jo bicep ka jo pic hota hai jo pic okay ye wali okay so wo nahi aati hai because wo log bahut se variation ko try nahi karte. So aaj hum log wo topic ko कवर करने वाले कि क्या क्या वेरिएशन आप लोग यूज करोगे ड्यूरिंग योर बाइसेप्स के एक्सरसाइज के टाइम पे तो पिक निकल के आएगा. सो हम लोग चार ऐसे वेरिएशन करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके बाइसेप्स को पिक को ग्रो एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. ओके तो चलिए चलते हैं स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वेरिएशन जो कि है हमारा केबल प्रेशर कर्ल. सो बार को कुछ इस तरीके से होल्ड करते हुए टू स्टेप पीछे आ जाना है, पूरा अच्छे से नीचे बैठ जाना है पूरा. एंड जो आपका जो एल्बो रहेगा वो नी के पास कुछ इस तरीके से फिक्स करना है. एंड आपका जो एल्बो का रहेगा वो पूरा एक्सटेंशन एंड उसे पूरा फ्लैक्स करेंगे. एक्सटेंड करिए एंड फ्लैक्स करिए. मेक श्योर कि आप ये लाइट वेट से ही करें. हैवी डालोगे सो आप शोल्डर जॉइंट्स को यूज़ करने लगो तो शोल्डर मसल ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू बाइसेप. तो जब हमें बाइसेप पिक को निकालना रहता है तो उसको प्रॉपर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच कर. तो एंगल स्विच करके भी दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके ही से करना है. तो मेक श्योर कि जो आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो पूरा फोकस आपके बाइसेप के पिक लॉन्ग हेड जो है हमारा बाइसेप का उस पर पूरा आपको फोकस रखना है. सो पूरा स्ट्रेच करिए एंड पूरा कॉन्ट्रैक्ट करिए बाइसेप को. ओके एंड जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सो मेक श्योर कि आप ब्रीथ आउट करें एंड अपोजिट साइड में ब्रीथ इन करें. सो ये जो वेरिएशन इसका एटलीस्ट 15 रेपिटेशन फॉर 3 सेट्स आपको करने हैं. तो हमारा सेकेंड वेरिएशन जो रहेगा बाइसेप पिक के लिए वो रहेगा हमारा स्पाइडर कर्ल, जो इसे स्पाइडर कर्ल बोलते हैं. तो जो बेंच है उसको 45 डिग्री पे सेट करेंगे एंड आप उस पर लेट जाए. लाइक जो आपका बेंच का एंड रहेगा वो आपके चेस्ट के लोअर पार्ट तक आना चाहिए, लाइक जो स्टनम रहेगा वहाँ तक. एंड आपके एक हाथ को लेफ्ट हैंड के जो राइट वाला जो हैंड रहेगा वो लेफ्ट हैंड के बैक साइड ट्राइसेप के पास से अच्छे से फिक्स कर लीजिए ताकि वहाँ मोमेंटम कम हो, सिर्फ एल्बो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो. ओके तो फुल स्ट्रिक्टली आपको कर्ल करना है, शोल्डर जॉइंट्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एल्बो पे. ओके जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से अगर आप ऐसा करेंगे तो श्योरली आपका बाइसेप का जो पिक है वो बहुत जल्दी ग्रो होगा. तो स्ट्रिक्टली कर्ल करना है आपको. स्टार्ट विथ लाइट वेट, स्लोली स्लोली आप वेट्स को इंक्रीज़ करिए, ज़्यादा हैवी उठाने की कोशिश मत करिए तो उससे क्या होगा आप शोल्डर जॉइंट्स को यूज़ करेंगे. सो ऐसा नहीं करना. सो लाइट वेट से एंड ऐसे ही कुछ इस तरीके से सिर्फ एल्बो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करना है. एंड ये भी हमारा 15 रेपिटेशन करेंगे फॉर 3 सेट्स. बहुत से लोग होते हैं ये वेरिएशन ऐड नहीं करते हैं सो प्लीज़ ऐड करिए आपके बाइसेप में. सो थर्ड वेरिएशन जो लेके वापस हम हमारे केबल पे आ जाते हैं, इसे डुअल केबल कर्ल बोलते हैं. बहुत से लोग इसे जो करते हैं वो सिर्फ एल्बो को जस्ट एक्सटेंड करते हैं, ऐसा पूरा एक्सटेंड नहीं करते. सो कुछ इस तरीके से पूरा आपको ऐसे छोड़ना है एंड उसके बाद ऐसे कर्ल करिए. सो जो केबल का लेवल रहेगा वो शोल्डर से स्लाइटली सा ऊपर रखेंगे, एकदम शोल्डर लेवल पे नहीं रखना है. सो थोड़ा सा अप रखिएगा. ओके सो एंगल स्विच करके भी दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से रखना है. कुछ इस तरीके से रखेंगे. सो एल्बो को पूरा स्ट्रेच करिए ऐसे एंड पूरा कर्ल करिए. जो आपका रिस्ट रहेगा ना वो आपका स्लाइटली थोड़ा हेड के थोड़ा सा पीछे से लेके जाएगा तो प्रॉपर कैसा रहेगा, जो बाइसेप का ओरिजिन टू इंसर्शन अच्छे से पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच करेगा. जो आपका लॉन्ग हेड रहेगा उसको अच्छे से ट्रेन करेगा. तो प्लीज़ इसे भी ऐड करिए. ये जो भी वेरिएशन में बता रहे बहुत से लोग होते हैं बाइसेप में ऐड नहीं करते हैं. सो ट्राई करिए जब भी आप ये बाइसेप आपका ट्रेन कर रहे हो सो ये चारों जो वेरिएशन में बता रहा हूँ और बताने वाला हूँ तो इसे ऐड करिए एंड इट विल श्योरली श्योर कि आपके बाइसेप को ग्रो करने में बहुत हेल्प करे, खास करके आपके बाइसेप के पिक को. तो चलते अब हमारे नेक्स्ट वेरिएशन पे. सो चलते अब हमारे फोर्थ एंड लास्ट वेरिएशन में जो कि है हमारा हाई पुली कर्ल. कुछ इस तरीके से आपको सेटअप कर लेना है. सो बार को आप होल्ड करिए एंड एल्बो का जो फ्लेक्शन कुछ इस तरीके से करना है.
ठीक है। मेक श्योर कि आपका एल्बो का ही फ्लेक्शन हो, पूरा अपर बॉडी मूव नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं जो अपर बॉडी पूरा मूव करेंगे, सो वो मूव नहीं करना, एंड शोल्डर जॉइंट्स को भी बिल्कुल भी नहीं। सो ये भी आपके बाइसेप पिक को बहुत ही हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, बहुत ही अच्छा शेप देगा आपके बाइसेप्स को। सो जब भी बाइसेप क्या ना बड़ा दिखना ज़रूरी नहीं होता, तो अगर वो अच्छे शेप में होगा ना, सो ऑटोमेटिकली वो बड़ा दिखेगा, लाइक पिक दिखता है। ओके, बहुत से और वेरिएशन भी मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर, बाइसेप बड़े कैसे करें करके। तो डोंट वरी अबाउट इट, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो जो आपका जो रिस्ट है वो आपके सर के पीछे उस इस तरीके से ही जाना चाहिए, क्या ना सर के आगे आप लोगे सो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए सर के पीछे लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से। सो 3 सेट्स हर वेरिएशन के 15 रेपिटेशन। सो डन विद 4 वेरिएशन, 4 वेरिएशन ऑफ बाइसेप का। आपने जैसे देखा मैंने 4 वेरिएशन किया, जिसमें यूनिलैटरल, आइसोलेटरल और बायलेटरल तीनों ही मूवमेंट्स के हम लोग ने एक्सरसाइज किया है बाइसेप की। सो जो चारों के चारों वेरिएशन है वो आप लोग एटलीस्ट 15 रेपिटेशन करिए, और स्टार्ट करिए थोड़ा लाइट वेट से, ज़्यादा हैवी जाने की कोशिश मत करिए। ज़्यादा हैवी जाओगे तो फॉर्म प्रॉपर नहीं रहेगा। ओके, तो स्ट्रिक प्रॉपर फॉर्म में ही आपको इसे करना है, तभी बाइसेप पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आएगा और वो ग्रो होगा। इट्स हेल्प टू यू ग्रो योर बाइसेप पिक, और ये सडनली 1 या 2 वीक में नहीं होने वाला है, कंटिन्यू थोड़ा एटलीस्ट 3-4 वीक्स तक रखिए। तो ऐसे ट्राई करते रहिए, सब आपके बाइसेप के एक्सरसाइज में ऐसे वेरिएशन को ऐड करते रहिए, इट विल रियली हेल्प टू यू ग्रो योर बाइसेप का दैट पिक वाला। ओके, सो कैसा लगा आपको ये, ट्राई करिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या आपको क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट नहीं आ रहा है, और क्या टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो सब अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगी दिए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिट नेक एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।